अस्सलाम वालेकुम मैं यूट फ़ैमिली उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे मैं भी खैरियत से हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है मेरा व्लॉग जो है वो आ, केक से स्टार्ट हो रहा है तो एज़ यूजुअल रूटीन के हिसाब से आज मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी तो वो तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी तो इस वजह से वो मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी तो मैं समझती हूँ कि मैंने कहा चले भाई आज जो है आप लोगों के साथ अपनी केक की रेसिपी शेयर करूँ तो आज जो है फिर मैंने केक बनाया था कि बच्चे भी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था केक बनाने का क्योंकि सर्दियां हैं दिन छोटे हैं तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा तो इस वजह से जो है फिर वो केक नहीं बना पा रही थी चलें स्टार्ट करते हैं केक की रेसिपी तो मैंने छः अंडे ले लिए थे छः अंडे में मैंने ढाई कप चीनी डाली थी और उसको फिर मैंने वेस्ट स्टार्ट कर दिया था मतलब बीटर से ना उसको फेंटना स्टार्ट कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से जब वो फट गया तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं इसमें ऑयल का यूज़ कर रही हूँ तो वन फोर्थ कप के मैं तीन कप लूँगी ऑयल के छः अंडे में क्योंकि दो अंडे की रेसिपी वन फोर्थ ऑयल डलता है तो मैं इसमें सिर्फ छः अंडे के लिए तीन दफ़ा मतलब एक कप तेल ले लूँगी इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करूँगी थोड़ा सा मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों को खुशी हो रही थी काफ़ी दिनों बाद आज मैं केक बना रही थी कुछ दस पंद्रह दिन का गैप आ गया था केक में अदरवाइज़ में मैं वीक में वन टाइम बना लेती हूँ क्योंकि फिर वो स्कूल में भी देने इजी हो जाता है ना वो लंच के लिए तो इस वजह से तो खैर वो बच्ची भी साथ साथ थी मेरे बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को ये बेकिंग वगैरह का तो मैं ओवन तो नहीं यूज़ करती ओवन ख़राब हो गया तो वो फिर सही करवाना ही नहीं हुआ तो बस मैं पतीली पे बना लेती तो मैंने कहा चले भाई कुछ थोड़ा सा चेंज डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करना तो इस वजह से फिर जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ना तो खैर फिर मैंने इसमें वनीला एसनस डाल के बीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से अब बस मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जिसमें है ढाई कप मैदा और ये बेकिंग पाउडर है ये भी मैं ढाई चम्मच डालूंगी इसमें और इसमें मैं वन बिग पिंच बड़ी चुटकी जो है इसमें नमक का जाएगा और फिर इसमें फिर मैं बेकिंग सोडा है होता है वो भी मैं वन बिग पिंच डालूंगी ठीक है और उस थोड़ा सा फूड कलर डालती हूँ मैं मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी वरना मैं कॉफ़ी इसमें ऐड करती हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें बहुत इनहेंस होता है इसका टेस्ट ना तो खैर मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी तो इसको अब मैंने स्किप कर दी थी कॉफ़ी के पार्ट को वरना इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा दूध के साथ घोल के कॉफ़ी मिक्स कर देती हूँ तो बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बन जाता है ये तो खैर मैं मार्बल केक बना रही थी फिर मैंने एक साथ ही टेक्सर अपना रेडी कर लिया था इसका जो मेरा मिक्सचर था केक का इसको मैंने मिक्स क... बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद फिर इसको जो है मैंने पार्ट में शिफ्ट कर लिया था एक छोटे बाउल में थोड़ा सा मुझे इसका पे टेक्सचर जो है वो गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें जो है वन थर्ड कप से हाफ कप वन थर्ड कप का भी हाफ़ कप फिर मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था ताकि थोड़ा सा इसका लिक्विड ही फॉर्म हो जाए तो बस ये मेरा डन हो गया था अलहदुल्ला मेरा ये लिक्विड फॉर्म इसका ही बन के तैयार हो गया था अब मैं इसको जो है एक दूसरे प्याले में छोटे प्याले में ले लूँगी वो कोको पाउडर के साथ उसको फिर मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से कोको पाउडर डाल दो क्योंकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा शक्ल देख के भी खाना पसंद करते हैं तो एक साथ कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल ब्राउन कलर का केक मत बनाया करें आप इसको मार्बल कर दिया करें तो फिर वो बस मैं इसमें कोको पाउडर शामिल करूँगी छोटे बाउल में जो मैंने शिफ्ट किया था इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा मैसी हो जाता है इन सब कामों की वजह से ये किचन और काउंटर वगैरह खैर इस सफाई भी हो जाती है अलहमद ये ये बच्चे बस हर चीज़ शौक़ से खा लेते हैं तो मेरी एक चीज़ दिमाग में आई एडिशन के तौर पे कि बच्चों को जो है वो बादाम जैसे तो वो खाते नहीं हैं चलो बादाम रखा हुआ था मैंने सोचा कि इसको भी मैं चॉपर करके बादाम को डालूं तो मैं बादाम भी इसमें अब की मैंने ऐड किया है बादाम मतलब शामिल कर दूँ ना इसमें तो बच्चों के थोड़ा सा चला भी जाएगा पेट में और वो खा भी लेंगे शौक़ से बच्चे तो मैंने इसमें बादाम जो है वो हल्का हल्का सर धुरधुर जो है वो मैंने इसको चॉप करवा लिया था और फिर बस मैंने इसमें बादाम भी शामिल कर दिया और उसके बाद अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी बेकिंग ट्रे में इसको मैं वन थोड़ा सा विदाउट कोको पाउडर डालूंगी फिर कोको पाउडर वाला पार्ट डालूँगी इस तरह से जो टेक्सचर इसका मार्बल का आ जाता है तो जब ये तैयार हो जाएगा रेडी हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से बना मेरा केक बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है बहुत ही मज़े का होता है आप मेरी रेसिपी ज़रूर पूरी देखिएगा और ट्राई करिएगा और इन श्ल्ला मैं और भी आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी और बाकी ये कि अलहमद लाला मेरा केक भी डन हो गया था आज दोपहर में फिर खाने में सब्ज़ी बनाई थी तो बस वो बच्चों के साथ जो दसड़ भी लगा रही थी थोड़ा लेट हो गई थी मैं क्योंकि ये केक वगैरह जो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है तो खैर मेरा अलहमदिल्ला केक भी रेडी हो रहा था इसको फिर मैंने थोड़ा सा बादाम तो मैंने अंदर डाल दिया था थोड़ा बहुत जो बादाम थे बचा के इसको मैंने कट करके तना से ऊपर थोड़ा डेकोरेट करते थे फिर भी देखने के बाद कह रहे थे कि हम हम नहीं खाएंगे इस बात तो में बादाम क्यों डाल दिया खैर अब जगह मैंने इसको प्री हीट कर लिया था पतीली को मेरे पास स्टैंड था वो पता नहीं मैं गहमा गहमी में इतनी रहती हूँ कि चीज़ें रख के चीज़े भूल जाती हूँ मैं ना अब वो मेरे पास स्टैंड इतने अच्छे थे बेक करने वाले जिसमें रख के मैं पतीली बेक करती थी वो मैं रख के भूल गई ही खाया तो खैर मैंने काम चला वाला काम के देसी मोम्स वाले एक में मैंने प्याला लगा दिया और एक में मैंने प्लेट रख दी खैर मैंने उसको बेक करने के लिए रख दिया आपको आज भी दिखाती हूँ और फिर बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे वो मैंने धो लिए थे अलहमदिल्ला और आप कुछ टेक्नीशियन देख रहे होंगे हमारे किचन में कि ये नल किस तरह का है तो ये हमारे पलम्बर भाई ने जो है दिमाग चलाया कि इसमें हमारा नल ख़राब हो गया था और हम लोग को गीज़र के पानी की ज़रूरत थी क्योंकि अब ठंड आ गई है तो वो अगर हम मीठा पानी भरते तो ऐसा लगता है कि बस वो अब अभी बस बर्फ़ से ही ग्लेशियर पिघल हमारे पास ही आ रहा है वो तो इस कदर ठंडा था वो पानी तो खैर अब वो जो कमर्शियल गीज़र है हमारे पूरे घर के यूज़ का तो उसकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो कि वो किचन में नहीं आ रही थी वो तो ख़ैर इसमें फिर हमने छोटा गीज़र फिट करवाया तो अब करवाने से ये हुआ कि उन्होंने भाई हमें ये बोला कि इसमें जो है वो नल फिट नहीं हो सकता पूरे टाइल्स निकलेंगे ये होगा वो होगा और उन्होंने खूब अपनी कारीगरी दिखाने के बाद अपना दिमाग चलाया तो इन्होंने फिर जो है हमें इस तरह से नल बना कर दिया कि ये जो है आपका वॉल हो गई दोनों ठंडे के भी और गर्म के भी तो खैर अलहमद अल्लाह का शुक्र है कि हमें गर्म पानी अब मिलना शुरू हो गया है और फिर आप देखिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी रोटी के साथ आज दोपहर में और रात को जो है फिर मेरा वही चिकन ब्रेड बनाने का इरादा था तो जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इन शाला तैयार कुछ और न्यू उसमें बनाऊँगी बार भी क्यों का सोचा है तो इन श्ल्ला तै फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी तो देखिए मेरे केक के फाइनल लुक इसको मैंने दरमिया आँच पर रख के ही बनाया है केक और ब्राउन भी हो गया बहुत अच्छा मज़े का बनाता है ये केक मेरा तो आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा मैं आपको उसके पीस भी दिखाती हूँ घर के कि किस तरह से बनाते हैं बादाम भी रोस्ट हो गए थे बहुत अच्छे तरीके से बहुत मज़ा मेरे पूरे किचन में जो खुशबू आ रही थी पूरे किचन में तो नहीं मैं पूरे घर में बोल सकती हूँ आपको जो मेरा कामन है कमरे से निकलने के बाद कि बस बहुत ही कोई बहुत ही बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी बेकिंग की जो मैंने केक बेक किया था ऐसा लग रहा था हम किसी बेकरी में चले गए बेकिंग के अमल पर तो खैर वो बहुत अच्छा ही बहुत मज़े का केक होता है ये आप मेरी उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और खुशबू तो इतनी अच्छी पूरे घर में हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत ही अच्छी खुशबू थी इस केक की आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे इस केक को और मैं आपको दिखाती हूँ उसके पीसेस काट के कि किस तरह से इसका मेरा फाइनल लुक आया था जीब्रा क्रॉसिंग की तरह और जो है ये के बच्चे तो मेरे बहुत खुश हो गए थे केक ये थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ छः अंडा अगर छः अंडे होते हैं तो मेरे ये इसमें बन जाता है एक ही छोटे मोल में बना लेती हूँ एक बड़े मोल में बना लेती हूँ तो ये है मेरा फिर वो चल जाता है दो तीन दिन के स्कूल भी ले जाते हैं बच्चे और छोटे मेरे बच्चे जो घर पे हैं वो भी खा लेते हैं बड़े भी बड़े छोटे सब शौक़ से खाते हैं ये केक तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन पर्सनली बात बताऊँ मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं इतने शौक से नहीं खाती कुछ भी मीठा बच्चों के खातिर मुझे बनाना पड़ता है तो मैं बना लेती हूँ और बच्चे जो है वो मेरे सर पर सवारी खड़े थे कि अब केक बेक हो गए तो फटाफट से दे दें तो देखिए मेरे दूसरे केक के फाइनल लुक है ये और फिर बस मैं उसको पीसेस करके इसको बॉक्स में बंद करके रख दूंगी अब जब ये ड्रेसिंग पे रखा रहेगा कमरे में तो ये बच्चे जो है हमारे इसको चलते फिरते खाना तो खाएंगे नहीं वो केक खाएंगे खाने की जगह तो देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका तो बस मैं इसको जो है वो जब भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था तो मैं इसको जो है वो एयर टाइट बॉक्स में बंद करके इसको रख दूँगी बहुत अच्छे तरीके से ताकि ये मेरा जो है वो सॉफ़्ट और मॉइस्ट रहे ना ड्राई नहीं हो खैर बहुत अच्छा बन गया था मेरा केक इनशाल्ल्ला और भी आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी इस रेसिपी को ज़रूर देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को लाइक करें बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक वीडियो तो कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इन श्ल्ला फिर आपसे मैं न्यू वीडियो में मिलूंगी बस कपड़े भी साथ साथ धुल गए थे तो वो मैं कमरे में ही सुखाती क्योंकि एयर ड्राई हुए हुए होते हैं कपड़े मेरे ऑटोमेटिक मशीन की वजह से तो और खैर फैमिली बड़ी है सबके अपने अपने कपड़े धुलते हैं तो बहस करने से बेहतर है कि अपने आप कमरे में ही सुखा लो तो मैंने इस तरह से रस्सी बांध के कमरे में ही सुखा लेती हूँ ईज़िली ना किसी से बहस ना किसी से कोई मसला बस अपने काम जो वो आसान करती हूँ